अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सहबाज और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ 24 स्लॉट कूलर फैन मोटर को 3 स्पीड में किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कॉइल्स के लिए डाटा बताऊँगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको कॉइल इंस्टॉलेशन बताऊँगा, फाइनली दोस्तों हम कनेक्शंस को समझेंगे प्रैक्टिकली और डायग्राम से, और लास्ट में दोस्तों हम करने वाले हैं मोटर की टेस्टिंग। तो सबसे पहले दोस्तों मोटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे मोटर का स्टेटर है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये स्लॉट्स हैं इनकी क्वांटिटी 24 है, यानी कि इनकी संख्या 24 है। ये खांचे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने सभी में ऑलरेडी पीवी सीट लगाकर कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने 7 नंबर पीवी सीट यूज़ किया है। अब दोस्तों आते हैं मोटर के स्टेटर साइज़ पर। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे मोटर का स्टेटर साइज़ है उसकी लेंथ है, यदि दोस्तों इसको mm में देखा जाए तो ये तकरीबन 20 mm का हमारा स्टेटर साइज़ है, यदि इसे इंचेज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये तकरीबन 0.8 इंचज़ का होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टेटर साइज हो जाता है। अगर मोटर के अंदर की लंबाई की बात की जाए कुछ इस तरह से, तो देखिए दोस्तों ये तकरीबन 75 mm की है। ये दोस्तों मैं इस mm को इंचज़ में कन्वर्ट कर दूँ तो दोस्तों ये तकरीबन 3 इंचज़ की होगी, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई 3 इंचज़ है। तो दोस्तों ये तो हो जाती है मोटर की स्टेटर की बात। अब आते हैं दोस्तों कॉइल्स के डाटा पर। तो रनिंग के लिए आपको किस तरह के कॉइल बनाने हैं, रनिंग के लिए आपको इस तरह का एक 4 का सेट बनाना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 30 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया है, जो कॉइल की डिस्टेंस है वो 35 इंचज़ है गोलाई में। साथ में मैंने जो कॉइल में टर्न्स किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, इस वाले कॉइल में 100 टर्न हैं, इस वाले कॉइल में 60 टर्न हैं, और इस वाले कॉइल में फिर से 100 टर्न हैं, और इस वाले कॉइल में 60 टर्न हैं। ये तो दोस्तों हमारी रनिंग कॉइल हो जाते हैं, इनका टोटल वेट 250 ग्राम है। अब दोस्तों आपको स्पीड के लिए 4 कॉइल बनाने हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये इनमें मैंने 30 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया है, जो कॉइल की डिस्टेंस है वो 35 इंच है गोलाई में। साथ में प्रत्येक कॉइल में आपको 25-25-25 टर्न करने हैं। तो दोस्तों ये हमारी 4 कॉइल हो जाते हैं इस तरह से, ये आपको 4 स्पीड वाली कॉइलें बनानी हैं। अब दोस्तों आपको स्टार्टिंग कॉइल्स के लिए देखिए इस तरह का एक 4 का सेट बनाना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने 32 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया है, जो वायर वेट है वो 150 ग्राम है, जो कॉइल की डिस्टेंस है वो 29 इंचेस है गोलाई में। साथ में मैंने एक कॉइल में 120 टर्न किए हैं। तो दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे स्टार्टिंग कॉइल। तो चलिए दोस्तों अब तो दोस्तों फाइनली बारी आती है अब कॉइल इंस्टॉलेशन की। तो चलिए दोस्तों कॉइल इंस्टॉलेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पहले वाले कॉइल को अच्छे से समझना है, ताकि आपको सभी कॉइल्स को समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों पहला हमारा होगा कॉइल पिच 1 से 4 2 राउंड, और कॉइल पिच 1 से 6 3 राउंड, यानी कि यहाँ से इसमें हमें कॉइल डालना है, 1 2 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं, इस तीसरे वाले स्लॉट में फिर कॉइल डालना है। यह हमारा कॉइल पिच 1 से 4 2 राउंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है कॉइल पिच 1 से 6 इससे, ठीक है, 4 स्लॉट बीच में छोड़ते हैं और इस तक, ठीक है। यह हमारा हो जाता है कॉइल पिच 1 से 6, इसमें हमें 3 राउंड करने हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमें स्टार्ट करते हैं कॉइल इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले हम एक रनिंग कॉइल ले रहे हैं, जिसमें कि हमने 100 टर्न किए थे, और इसको स्टेटर में डालते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें एक तरफ से किसी भी स्लॉट में डाल देना है कॉइल को, मैं इसमें डाल देता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल को डालना है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से आपको इन वायर को समझना है, कनेक्शन के वायर को। तो देखिए दोस्तों, जो ये आप पहला वाला वायर देख पा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ, ये हमारा इनर वायर होगा, ठीक है, हम इसे इनर का नाम देंगे, ये बिल्कुल खाली वायर है। और दूसरा जो आप देख पा रहे हो, ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ, ये हमारा आउटर वायर है, जो कि हमारी बाकी कॉइल से अटैच वायर है, ठीक है। ये हमारा कॉइल पिच 1 से 4 एक राउंड हो गया। बैक साइड से आपको कॉइल को इस तरह से फोल्ड करना है कि ये स्लॉट में आ जाए, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें हमें डबल करना है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमारा कॉइल पिच 1 से 4 हमें डबल करना है, इसको इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये दोस्तों हमारे कॉइल पिच 1 से 4 डबल हो जाता है। इसके बाद आपको इस तरह से पीवी सीट का टुकड़ा लेना है, इसे फोल्ड कीजिए यू टाइप में और इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, वायर बाहर नहीं आएगा, स्लॉट से बाहर नहीं निकलेगा, साथ में अर्थिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वायर बॉडी से कहीं अटैच नहीं करेगा। अब इस कॉइल को इस तरह फोल्ड कीजिए इस स्लॉट में आए, ठीक है, ये मैंने फोल्ड किया और इस स्लॉट में डाल देते हैं, ठीक है। अभी इसमें वाले में डालते हैं,
ठीक है, एक राउंड हो गया दोस्तों कॉइल पीछे एक से छः, फिर से उसी तरह फोल्ड करते हैं उसी पोजीशन में और उसी के ऊपर डबल डाल देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कॉइल पिच एक से छः दो राउंड हो गया। अब बचे हुए कॉइल को, ठीक है, कितना बचा है इस वाले कॉइल को, ठीक है, फाइनली राउंड में हम फुल एक रिंग की तरह फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और इसे डाल देंगे। तो दोस्तों ये हमारा कॉइल पिच एक से छः तीन राउंड हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके इंस्टॉल के बाद आपको इसके ऊपर सीट लगा देना है स्लॉट्स में, या आपको सभी में लगाना ही लगाना है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे पहले कॉइल का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बारी आती है दोस्तों दूसरे वाली कॉइल की, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, ये वाला स्लॉट खाली छूटेगा इसमें कॉइल आएगा, उसके बाद दो स्लॉट खाली छूटेंगे इस वाले में कॉइल आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा वाला कॉइल लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इससे अटैच कॉइल 60 टर्न वाला है, ठीक है। ये मैंने दूसरा वाला कॉइल ले लिया। इसी तरह से कॉइल पीछे एक से चार अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर वायर है जो कि बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। ये हमारा पहली वाली कॉइल से आउटर वायर दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर से जुड़ गया, यानी राइट हैंड साइड को टू राइट हैंड साइड। अब आपको ये दो कॉइल ले लेने हैं 25-25 टर्नों वाले, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने दो कॉइल ले लिए हैं, ये दो कॉइल्स आपको इस 60-60 टर्नों वाली कॉइल के साथ जोड़ डालने हैं, ठीक है। इस तरह से डाल दीजिए। ये दोस्तों कनेक्शंस हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में समझा दूंगा। उसके बाद दोस्तों कॉइल को सिंपली उसी तरह से इंस्टॉल करना है। कॉइल पिच एक से चार दो राउंड कर दीजिए, एक से छः आपको तीन राउंड करने हैं बस। दोस्तों ये सिंपल सी प्रोसेस है, आप इसे फॉलो कीजिए, जहाँ कहीं भी चेंजिंग होगा मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे दो कॉइल्स का इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाता है। अब दोस्तों बारी आती है तीसरे वाली कॉइल की। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारे जो चार वायर हैं ये हमारे 25-25 टर्नों वाली कॉइल के वायर हैं। तो अब आपको किस तरह डालना है, यहाँ पर दोस्तों उसी तरह ये स्लॉट खाली छूट जाएगा, इस वाले स्लॉट में कॉइल आएगा, दो स्लॉट खाली छूटेंगे इस वाले में कॉइल आएगा। ये हम 100 टर्न वाला कॉइल आता है हमारा, इसे हम डाल देते हैं बीच में, फिर से दो स्लॉट खाली छोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वायर्स को समझिए आप, जो ये हमारा दूसरी वाली कॉइल का इनर वायर था, ठीक है, ये हमारी तीसरी वाली कॉइल के इनर वायर से की तरफ आ गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ है जो कि बाइक कॉइल से अटैच हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों उसी तरह से आप कॉइल को इंस्टॉल कर दीजिए। अगर दोस्तों आप इस तरह से समझते हैं एक से तीन का कनेक्शन, ठीक है, उस तरह भी आप इन कॉइल्स का कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा स्पीड कॉइल्स का अलग होगा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों हमारे तीन कॉइल का इंस्टॉलेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों बारी आती है हमारे चौथे वाले कॉइल की, ठीक है, जो कि हमारे पास एक 60 टर्न वाली कॉइल है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम हमारी कॉइल को लेते हैं। अब की बार दोस्तों हमें दोनों तरफ से एक एक स्लॉट खाली छोड़ देना है। ये हम इस तरफ डाल देते हैं और ये हम इस तरफ डाल देते हैं। देखिए ये हमारा एक स्लॉट इधर छूट गया, एक इधर छूट गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर वायर है, ठीक है, ये वाला। और आप देख पा रहे हो जो तीसरी वाली कॉइल से हमारा ये आउटर वायर आया था, ठीक है, ये हमारी चौथी वाली कॉइल के आउटर की तरफ जुड़ गया, यानी राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड की तरफ कनेक्ट हो गया है इधर से। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें फिर से दो हमारे पास जो लास्टली 25-25 टर्न वाली दो कॉइल बचे हैं ये हमें लेने हैं, ठीक है। ये 25-25 टर्न वाली कॉइल है, अब ये हमें उसी तरह से जोड़ने हैं जिस तरह हमने दूसरी वाली कॉइल के साथ 25-25 टर्न वाली कॉइल अटैच की थी उसी तरह से, ठीक है। चलिए इसे इसके साथ लगा देते हैं। अब ये हमारा एक कॉइल बनकर कंप्लीट हो जाता है और इस कॉइल को उसी तरह से इंस्टॉल कर दीजिए जिस तरह हमने बाकी कॉइल्स को इंस्टॉल किया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से इंस्टॉल कर कंप्लीट कर देता हूँ और आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। चलिए दोस्तों ये हमारा फाइनली राउंड है इसमें, और लगा देते हैं इस पर सीट।
इधर की तरफ भी इंस्टॉल करके लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारे सभी रनिंग कॉइल्स का इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पर दोस्तों जो ये मेनली हमारे दो रनिंग कॉइल्स के वायर हैं, बाकी हमारी चार वायर इस तरफ निकले हैं टोटल और चार वायर इस तरफ निकले हैं, ये हमारी स्पीड कॉइल्स के वायर हैं। रनिंग कॉइल के इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये कॉटन टेप लेना है, जो कि चिपकने वाला कॉटन टेप है। ये आपको रनिंग कॉइल्स के ऊपर लगाना है, जिससे कि हमारा स्टार्टिंग और रनिंग सर्किट आपस में कहीं भी अटैच ना हो। इस तरह से लगाना है, ये पूरी तरह नीचे से कवर करे और बचा हुआ हिस्सा आपको कॉइल के ऊपर फोल्ड कर देना है कॉटन टेप का। इस तरह आपको सभी कॉइल्स के ऊपर लगाकर ये कंप्लीट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल में हमारा जो पहला कॉइल पिच होगा वो होगा 1 से 4 राउंड करना है आपको, और 1 से 6 आपको 2 राउंड करना है। जो हमारा 1 से 4 एक पहला कॉइल इसमें आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको 2 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं, इस वाले में आएगा। ये वो स्लॉट्स हैं जहाँ पर हमारा रनिंग कॉइल 2-2 राउंड आया था, ठीक है, उनके ऊपर आएगा। अब 1 से 6 इस स्लॉट में आएगा और इस वाले स्लॉट में आएगा, यहाँ पर इन दोनों में हम 3-3 राउंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक कॉइल लेते हैं। स्टार्टिंग कॉइल्स में से रेंडमली आप कोई भी कॉइल ले लीजिए और इसे स्टेटर में डालते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये जो पीवी सीट है आपको सभी पर लगाना है, ये कंपलसरी है और आपको लगाते ही चलना है कॉइल के ऊपर। अब यहाँ पर आप इसके सिरों को समझिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर है जो कि हमारा खाली वायर बचा है, और ये हमारा राइट हैंड साइड आउटर वायर है जो कि हमारी बाकी 3 कॉइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको इस कॉइल के इंस्टॉलेशन को अच्छे से समझना है, ताकि आपको सभी कॉइल्स के इंस्टॉलेशन को समझने में आसानी रहे। इस वाले कॉइल को फोल्ड कीजिए कि इस खाली वाले स्लॉट में आ जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डाल दीजिए, फिर से फोल्ड कीजिए, इस वाले स्लॉट में आए कुछ इस तरह से, और फिर इसी स्लॉट में ऊपर की तरफ दोबारा डालिए। फाइनली हमारा 1 से 6 कॉइल पिच, जो हमारा 3 राउंड होता है, बची हुई कॉइल को फुल रिंग फोल्ड कीजिए और दोनों तरफ से 3-3 राउंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये होता है हमारे कॉइल पिच 1 से 6 में 3 राउंड। इस तरह से आप देख पा रहे हो हमारी जो स्टार्टिंग कॉइल है वो डलकर कंप्लीट हो जाती है। ये हमारा पहला कॉइल डलकर कंप्लीट हो गया। तो बारी आती है दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल के दूसरे वाले कॉइल की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉइल को सबसे पहले आपको स्टेटर में डालना है, डालने के बाद लगा दीजिए उसके ऊपर सीट। और दोस्तों, सीट लगाने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ आपको जो ये सिरे हैं इनको कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाला हूँ, इनके कनेक्शन बताने वाला हूँ। देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारा इनर है, अब ये बाकी कॉइल से अटैच वायर है, ठीक है, और जो हमारी पहली वाली कॉइल से निकला था ये आउटर, ठीक है, राइट हैंड साइड, ये हमारे दूसरी वाली कॉइल के आउटर राइट हैंड साइड से जुड़ गया है, ठीक है, इसकी तरफ आ गया है। अब बाकी कॉइल्स का इंस्टॉलेशन सेम उसी तरह करना है जिस तरह हमने पहली वाली कॉइल किया था। तो देखिए दोस्तों, हमारी दूसरी कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाती है स्टार्टिंग कॉइल की। अब दोस्तों बारी आती है हमारी तीसरे वाली कॉइल की, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल है वो अभी हमारी सभी 1 टर्न्स की हैं, किसी में भी कंफ्यूजन नहीं है, सभी में बराबर बराबर के टर्न हैं। यहाँ पर जो हमारी कॉइल्स के सिरे निकलते हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये जो निकला है ये आउटर है राइट हैंड साइड तरफ, जो कि हमारी बची हुई कॉइल से जुड़ा हुआ है, और ये हमारी दूसरी वाली कॉइल से इनर वायर निकला था, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये हमारी तीसरी वाली कॉइल के लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर से इनर जॉइंट हो जाता है। अब दोस्तों, यदि आप कनेक्शन वायर कट करके कर रहे हो तो भी इस तरह से कर सकते हो। तो अभी हम डायग्राम से समझेंगे, वो आपको बेहतर रहेगा समझने में। एक्चुअल में क्या है, इस तरह से कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। अब चौथी वाली कॉइल की बारी आती है दोस्तों। हमारे 3 कॉइल अच्छे से डलकर कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने चौथा वाला कॉइल भी डाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके सिरों को, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इनर वायर है जो कि हमारे पास फाइनली निकला है आउटपुट के रूप में कनेक्शन में। और आप देख सकते हो जो तीसरी वाली कॉइल से हमें ये
यहाँ से आउटर मिला था और ये हमारी चौथी वाली कॉइल के आउटर यानी राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तरफ आ गया। अब आप देख सकते हो हमारी पहली वाली कॉइल से भी इनर था और फाइनल वाली कॉइल से भी इनर ही है, तो हमारा कनेक्शन सही है। जबकि दोस्तों इनर टू इनर आता है तो सही है, आउटर टू आउटर आता है तो सही है, इनर टू आउटर कभी नहीं आता है और आउटर टू इनर भी नहीं आता है। जो हमारे फाइनल वायर निकलते हैं वो इसी तरह निकलेंगे। तो देखिए दोस्तों फाइनली हमारी सभी कॉइल्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से हुआ है। तो दोस्तों अब बारी आती है मोटर का सिलाई करने की, तो दोस्तों हम सबसे पहले फ्रंट साइड से सिलाई कर लेते हैं इसका। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से जल्दी से इस मोटर का सिलाई कर फ्रंट साइड से कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों सिलाई के लिए मैं यहाँ पर धागा यूज़ कर रहा हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको जिस तरह ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ा दिया है ताकि मैं आपको सिलाई जल्दी से कम्प्लीट करके दिखा सकूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा फ्रंट साइड से सिलाई और कम्प्लीट हो जाता है। चलते हैं हमारे कंप्यूटर डिस्प्ले पर और दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं थ्री स्पीड कूलर मोटर के कनेक्शंस को। देखिए जी हम हमारी कंप्यूटर डिस्प्ले पर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हो जो ये रेड कलर्स में ये शॉर्ट टर्न वाली कॉइल है हमारी, जो कि हमारी पहली कॉइल थी, ठीक है। यहाँ पर ये शॉर्ट टर्न वाली हमारी दूसरी कॉइल है, शॉर्ट टर्न वाली तीसरी कॉइल है और ये फाइनली शॉर्ट टर्न वाली चौथी कॉइल है। यहाँ पर 25-25 टर्न वाली मैंने दो कॉइल बना रखी हैं और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी दो कॉइल बना रखी हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी पहली कॉइल है इसके दो शेर निकलते हैं, ये पहला है इनर, ठीक है, और ये दूसरा है आउटर, ठीक है। इस इनर को हम लेफ्ट हैंड साइड और आउटर को राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। तो अभी हम कनेक्शन करते हैं तो हम इनर वायर को छोड़ देते हैं, पहले कॉइल से स्टार्ट करते हैं और दोस्तों जो पहले कॉइल के, ठीक है, आउटर को दूसरे वाले कॉइल के, ठीक है, शॉर्ट टर्न वाली के आउटर से जोड़ते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों ये हमने ज्वाइंट कर दिया, इसके बाद दोस्तों इसे हम ज्वाइंट कर देते हैं। बारी आती है दोस्तों दूसरे वाले कॉइल की। अब दूसरे वाले कॉइल जो कि शॉर्ट टर्न वाला है इसमें से एक इनर वायर बच जाता है, इस इनर वायर को हमें इस शॉर्ट टर्न वाली कॉइल से तीसरी वाली कॉइल के इनर वायर से जोड़ना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे इस लाइन का। अब दोस्तों आ जाते हैं हमारी तीसरी वाली कॉइल पर। अब यहाँ तीसरी वाली कॉइल से एक आउटर वायर बचता है जो कि हमें चौथी वाली कॉइल, जो कि शॉर्ट टर्न वाली कॉइल है चौथी वाली कॉइल, उसके आउटर वायर से जोड़ देना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसे जोड़ते हैं, यहाँ को इससे यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों इन कॉइल से हमें एक आउटपुट वायर मिलता है जो कि हमारा शॉर्ट टर्न वाला इनर वायर है। तो दोस्तों ये तो हो जाता है हमारी चार रनिंग कॉइल्स का कनेक्शन। अब दोस्तों स्पीड कॉइल्स का कनेक्शन इनके साथ किस तरह करना है वो हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो हम किसी भी एक 25 टर्न वाली कॉइल को ले लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं इस वाली कॉइल को लेता हूँ, ठीक है, इस वाली कॉइल। हमें करना क्या है, जो कि 60 टर्न वाली कॉइल के पास में ये वाली कॉइल है इसे लेते हैं हम, इसके इनर वायर को इस 60 टर्न वाली कॉइल के इनर वायर के साथ जोड़ना है। यहाँ पर दोस्तों मैं इसे जोड़ देता हूँ और दोस्तों ये, हाँ, यहाँ पर हमारा ब्लैक वायर ज्वाइंट होगा जो कि हमारा हाई स्पीड होगा, जो कि ब्लैक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं इसको ब्लैक, ठीक है, टेक्स्ट कर दिया, मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर इसका आउटर वायर बच जाता है इस 25 टर्न वाली कॉइल का, ठीक है। इस आउटर वायर को, ठीक है, हमें राइट हैंड साइड की तरफ वाली जो कॉइल है उसमें से एक कॉइल से इस वाली कॉइल के, ठीक है, ये इनर वायर है, इस आउटर वायर को इसके सामने वाली कॉइल के आउटर वायर से जोड़ना है, ठीक है। चलिए मैं इसे ज्वाइंट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से इसके सामने वाले वायर से आउटर से ज्वाइंट हो गया ये यहाँ से। अब दोस्तों राइट हैंड साइड की तरफ जो हमारी 25 टर्न वाली कॉइल है उसका ये हमें इनर वायर बच जाता है, ठीक है। ये जो इनर वायर है इसे हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। ये दोस्तों हमारा रेड कलर का वायर होगा जो कि हमारी मीडियम स्पीड होगी, जो कि नॉर्मल स्पीड, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे रेड यानी मीडियम कर देता हूँ फिक्स। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर इससे रेड कलर से इस वाली कॉइल, ठीक है, 25 टर्न वाली कॉइल को लेते हैं, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ दूसरी बची है, इसके आउटर को,
इस रेड कलर के वायर के साथ जोड़ते हैं इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों ये हमने ज्वाइंट कर लिया। इसके बाद क्या है दोस्तों, हमारे पास ये 25 टर्न वाली कॉइल है, इसका इनर वायर बच जाता है। ये इनर वायर हमें, ठीक है, ये राइट हैंड साइड तरफ जो ये इनर वायर है, ठीक है, इसके साथ जोड़ना है, यानी कि इसके सामने वाले से, ठीक है, ये क्रॉस जिस तरह आमने सामने कनेक्शन होता है। चलिए दोस्तों इसे ज्वाइंट करते हैं। देखिए ये मैंने एक कर दिया है ज्वाइंट, आप रो देख पा रहे हो। अब यहाँ पर जो फाइनली राइट हैंड साइड तरफ ये 25 टर्न वाली कॉइल पे जो आउटर बचता है, ठीक है, चलिए मैं आपको पास दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है। ये हमारा वाइट वायर होगा जो कि हमारी सबसे स्लो स्पीड होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ वाइट कलर का वायर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा वाइट वायर। तो दोस्तों इस तरह से होंगे हमारे स्पीड के कनेक्शंस। अब दोस्तों बेहतर रहेगा आप इसका यहीं के यहीं एक स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि आपको याद रहे और करने में आसानी रहेगी। ये हमारे हो गए रनिंग कॉइल प्लस स्पीड का। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इनमें अटैच कर देता हूँ स्टैटिक कॉइल्स और, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ब्लैक कलर में आए हैं ये हमारे स्टार्टिंग कॉइल हैं जो जिनमें हमने 120 टर्न किए थे, ठीक है। अब यहाँ से हम इस वाली कॉइल से कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इनर वायर है। इस इनर वायर को हम जो कि हमारी 100 टर्न वाली कॉइल में से एक इनर वायर बचा था उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे और दोस्तों इसे हम नाम देंगे ब्लू, यानी कि जो एक कॉमन वायर होता है थ्री स्पीड के अंदर उस ब्लू वाला वायर ये होगा। यहाँ पर मैंने ब्लू शो कर दिया है। अब दोस्तों हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारी पहली वाली स्टार्टिंग कॉइल है उसका हमें आउटर वायर बचता है, ठीक है, ये आउटर वायर हमें इसके दूसरे वाली कॉइल के आउटर वायर यहाँ पर जोड़ देना है। चलिए इसे ज्वाइंट करते हैं इधर, ठीक है, ये आ गया। अब जो दूसरी वाली कॉइल है, ठीक है, दूसरी वाली कॉइल का इनर वायर बच जाता है, ये हमें तीसरी वाली कॉइल के इनर वायर यहाँ से जोड़ना है। यहाँ से देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अब जो दोस्तों हमारी ये तीसरी वाली कॉइल है, ठीक है, तीसरी वाली कॉइल का हमारा पास आउटर बच जाता है, ये तीसरी वाली कॉइल का आउटर हमें चौथी वाली कॉइल के आउटर यानी यहाँ से यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ देते हैं आउटर से, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि हमारे पास फाइनली जो हमारी आखिरी कॉइल है उसका एक आउटर वायर बचेगा जो कि इनर है बट वो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। चलिए इसे हम बाहर की तरफ निकालते हैं दोस्तों, जो कि हमारे कैपेसिटर के साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो हमारे दो कैपेसिटर्स के वायर होंगे, ठीक है, जो कैपेसिटर के वायर लगेंगे हमारे, एक लगेगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो एच ब्लैक और एक स्टार्टिंग कॉइल्स इस वाले वायर में, ठीक है, ब्लैक है, और एक इस वाले में जो कि स्टार्टिंग कॉइल्स निकला है। तो दोस्तों फाइनल इस तरह से हो जाते हैं हमारे थ्री स्पीड मोटर के कनेक्शन। तो चलिए दोस्तों अब हम मोटर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे मोटर का फ्रंट साइड से सिलाई होकर कम्प्लीट ऑलरेडी ही हो चुका है, तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं मोटर की बैक साइड की ओर और दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कनेक्शंस को। तो यहाँ से दोस्तों आपको अच्छे से समझना है। दोस्तों ये हमारा मोटर बैक साइड से, ये हमारा 100 टर्न वाला कॉइल है, ये 60 प्लस 25 प्लस 25 टर्न वाला कॉइल है, ये फिर से हमारा 100 टर्न वाला कॉइल है, ये 60 प्लस 25 प्लस 25 टर्न वाला कॉइल है। ये हमारे दो रनिंग के वायर हैं मेनली, ठीक है, एक हमारी 100 टर्न वाली कॉइल से आता है, एक हमारी 60 टर्न वाली कॉइल से आता है। ये हमारे दो स्टार्टिंग कॉइल के वायर्स हैं, फिलहाल के लिए हम स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर को अलग कर देते हैं, फिलहाल हमारा इनसे कोई काम नहीं है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो ये हमारी 25 टर्न वाली कॉइल का एक कॉइल के वायर हैं दो, ठीक है, ये दो दो वायर इस तरह से हैं। इधर भी आप देख पा रहे हो दो वायर एक कॉइल के हैं और दो वायर एक कॉइल के, यानी एक कॉइल के दो सिरे हैं। अब हम इस की तरफ देखते हैं जो कि हमारी 60 प्लस 25 प्लस 25 टर्न वाली कॉइल है। इसमें दोस्तों हम एक 25 टर्न वाली कॉइल के वायर्स को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉइल में दोस्तों ये जो ये राइट हैंड साइड की तरफ ये आउटर वायर है और लेफ्ट हैंड साइड तरफ आप ये वाला देख पा रहे हो ये एक इनर वायर है, ये हमें जो कि 60 वाली टर्न से इनर था
उसके साथ हमें ये 25 टर्न वाली कॉइल का इनर वायर जोड़ देना है। ये दोस्तों हमारा ब्लैक वायर हो जाता है जो कि हाई स्पीड का होगा। इसमें दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए ये ब्लैक वायर नॉर्मली ज्वाइंट कर देता हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। इमेजिन कीजिए हमने ये ज्वाइंट कर दिया, आप इसे पक्का कर लीजिए। ज्वाइंट करने से पहले वायर को अच्छे से जला लेना है आपको। अब दोस्तों जो ये 25 टर्न वाली कॉइल का ये आउटर बच जाता है, इधर की साइड से भी इसके सामने साइड से भी हम एक कॉइल को खोल लेते हैं, यानी वायर को अलग अलग कर लेते हैं। अब ये आउटर है दोस्तों, ठीक है। अब इसके सामने वाली कॉइल का हमें आउटर लेना है, यानी आउटर टू आउटर हमें इसे ज्वाइंट करना है, ठीक है। ये इसके सामने ज्वाइंट हो गया, इसे आप यहीं के यहीं ज्वाइंट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारी एक कॉइल का 25 टर्न वाली का इनर बच जाता है, ठीक है। ये हमारा रेड होगा यानी कि मीडियम स्पीड। इसको हमें इधर की साइड से हम इस कॉइल को ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारी एक 25 टर्न वाली कॉइल बची है इधर की तरफ। इसका ये आउटर है और इसका ये इनर है, ठीक है। इस इनर और आउटर को हम ज्वाइंट कर देते हैं और इसके बाद में हम इसमें एक रेड कलर का वायर ज्वाइंट करेंगे जो कि हमारी मीडियम स्पीड होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो बारी आती है हमारे पास, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 25 टर्न वाली कॉइल में से एक इनर वायर बच जाता है। इस इनर वायर को हमें इसके सामने वाली कॉइल के, ठीक है, सिरों को सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का इनर वायर है। अब हम इसके सामने वाली कॉइल कर लेंगे, ठीक है। इसके हमें इनर वायर से इसके इनर वायर को जोड़ना है, ठीक है। ये इसके सामने का कनेक्शन हो गया, इसको हम यहीं के यहीं ज्वाइंट कर देंगे। ये इनर टू इनर ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक वायर बच जाता है, ठीक है। फाइनली एक वायर बचा है जो कि एक 25 टर्न वाली कॉइल से निकल कर आता है, जो कि एक आउटर वायर है। इसे हम यहाँ पर दोस्तों वाइट कलर के वायर में ज्वाइंट कर दें। ये दोस्तों सबसे स्लो स्पीड होगी। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए आपको इतना करना है और इन सभी को ज्वाइंट कर कंप्लीट कर दीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ। तो देखिए जी यहाँ पर मैंने इन सभी को ज्वाइंट कर कंप्लीट कर दिया है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे दो वायर हैं स्टार्टिंग कॉइल के। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और यहाँ पर हमें एक स्टार्टिंग कॉइल के और एक रनिंग कॉइल के वायर को एक कर इस ब्लू वायर में जोड़ देना है। यहाँ पर दोस्तों जो ये रनिंग कॉइल का मैंने वो वायर लिया है जो कि 100 टर्नों से आया था। अब हमें कैपेसिटर के लिए जो दो वायर निकालने हैं आउटपुट के रूप में, एक हमें इस तरह से इस स्टार्टिंग कॉइल के वायर के साथ जोड़ देना होगा और एक इस ब्लैक वाले वायर में जोड़ देना है जो कि हमारी हाई स्पीड थी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कनेक्शन। कनेक्शन करने के बाद आपको सभी वायर्स में सिल्यू पाइप डाल लेना है। चलिए दोस्तों अब फाइनली हम इसकी बैक साइड से सिलाई कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिलाई आपको उसी तरह करना है जिस तरह से हमने फ्रंट साइड में किया, या फिर जिस तरह आपको अच्छा लगे। सबसे पहले दोस्तों हम मोटर का सिलाई कर कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद मोटर को हम उसके पार्ट्स के अंदर फिट करेंगे और दोस्तों फाइनली हम उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमारा सिलाई तो होकर कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मोटर का फिटिंग कर लेते हैं इसके बॉडी के अंदर, फिर दोस्तों फाइनली हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा मोटर फुली अब रिवाइंड होकर कंप्लीट है, तो चलिए इसे फिट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका बैक वाला टप लेना है। यहाँ पर आप इसे देख पा रहे हो, यहाँ पर दो होल दिए गए हैं। इन दोनों होल्स में आपको सबसे पहले ये जो वायर्स हैं हमारे ये कनेक्शन लीड वाले हैं, ठीक है, और एक हमारी कैपेसिटर लीड है, ये दोनों होल्स में से आपको निकाल लेनी है। चलिए दोस्तों मैं इसे जल्दी से निकाल कर कम्प्लीट कर देता हूँ। ये बैक साइड की ओर आपको टप फिक्स करना है दोस्तों। टप को लगाने के बाद अब जो बारी आती है हमारे रोटर की, हमें मोटर के अंदर रोटर को लगाना है, ठीक है। अब हमें दोस्तों फाइनली ये ऊपर वाला टप है, ठीक है, जो कि हमारा टॉप पर लगता है, ये लगाना है। तो ये मेरा लगकर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको जो ये स्क्रूज हैं बोल्ट्स हैं ये आपको लगाकर कंप्लीट कर लेने हैं दोस्तों। ये प्रोसेस आप खुद ही कंप्लीट कर लीजिए, बेहतर रहेगा ताकि हम जल्दी से वीडियो कंप्लीट कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों ये हमारी कनेक्शन लीड हो जाती है। यहाँ पर हमें एक 4 MFD का रनिंग कैपेसिटर अटैच करना है।
दोस्तों फाइनली हम टेस्टिंग पर आते हैं। सबसे पहले हम इसमें इसकी ब्लेड्स लगा लेते हैं। ठीक है देखिए दोस्तों, मैंने इसका पंखड़ी लगाकर इसमें कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हाई स्पीड टेस्ट करेंगे। तो हमें वायर लगाना है, ये जो ब्लू वाला हमारा कॉमन वायर है और जो ये ब्लैक है ये हमारा हाई स्पीड है। तो हम वायर लगाते हैं ब्लू में और ब्लैक में। तो देखिए दोस्तों, मैंने प्लग इन कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा हाई स्पीड है। शायद आप महसूस नहीं कर पाओ वीडियो को देखकर, लेकिन दोस्तों ये हाई स्पीड है और इसमें बहुत ही अच्छा स्पीड आया है। तो ये तो हाई स्पीड हो जाता है, मीडियम स्पीड चेक करते हैं। तो वायर लगाते हैं हम एक ब्लू में और एक लगाते हैं रेड में। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा मीडियम स्पीड है, देखते हैं कितना फर्क है। हाँ दोस्तों, मैं महसूस कर पा रहा हूँ पहले के बजाय, ठीक है, हाई स्पीड के बजाय इस बार स्पीड कम है। ठीक है, अब दोस्तों फाइनली जो बारी आती है वो आती है ब्लू और एक वायर लगाना है हमें वाइट वाले में। ठीक है, यानी ये हमारे सबसे स्लो स्पीड वाला है। ठीक है, जो दोस्तों इस बार की स्पीड है वो कि रेड वाली स्पीड से भी, यानी कि मीडियम स्पीड से भी कम है, यानी कि ये हमारा स्लो हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली हो जाता है हमारा थ्री स्पीड कूलर मोटर वाइंड होकर कंप्लीट। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर चालू कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ।